ओए हाँ क्या हुआ? तुझे ये पेपर कहाँ से मिला? मेरे को पेपर पार्क से मिला। कैसे? कि पार्क में एक अजीब सा मैप पड़ा हुआ था, उसके हिसाब से मैंने गड्ढा खोदा। गड्ढे में एक जीरो मार्क्स का टेस्ट पेपर और एक कॉइन। अगर मैंने इसे कॉइन कलेक्शन के बारे में बता दिया तो हो सकता है ये अपना हक जताकर थोड़े से कॉइन मांग ले, या हो सकता है पूरी कॉइन कलेक्शन मांग ले। मेरे को चुप रहना चाहिए। हाँ क्या हुआ क्या हुआ? चुप क्यों था? वो छोड़, तू इस पेपर के बारे में मेरे को कुछ बता सकती है? हाँ बता सकती हूँ। अरे ये तो सेजल है, ये पेपर लेके पार्क में क्या कर रही है? इसकी प्रतिक्रियाएं यहाँ से छुपके देखती हूँ। यार कहाँ छुपाऊँ ये? अरे खुदा खुदा घंटा, मैं छुपा देती हूँ। यार चलती हूँ यहाँ से, इससे पहले कोई देख ले मुझे। अरे ये तो जा रही है, मुझे छुप जाना चाहिए ताकि मुझे देख ना पाए। यार पार्क हमारा एल शेप में है, पहले पार्क बना लेती हूँ। पर एक बारी चेक तो कर लूँ उसने डाला यहीं पे। छुपाया तो इसने यहीं पे है। चलो गड्ढा मिल गया, एक बार कोई इसकी लोकेशन मार्क कर लेते हैं। छुपा तो दूँ यार। यार मैप मैं इस कोने में छुपा देती हूँ ताकि बारिश वगैरह नहीं पड़ जाए, उसके पैर में भी। मजे आ गए। तो फिर इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू, बाय। यार आकृति ने पॉइंट के बारे में कुछ बोला नहीं, इसका मतलब आकृति और कॉइंस का कुछ रिलेशन ही नहीं है। मैं एक बार पार्क में जाता हूँ, क्या पता मेरे को कॉइंस के बारे में भी कुछ पता चले। देखता हूँ कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा पार्क में इससे रिलेटेड। पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? भैया क्या कर रहे होंगे भाई? अरे पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? ओहो यार इस पागल के इस पागल को भी अभी आना था, अब इसको क्या जवाब दूँ? अरे बताओ ना क्या कर रहे हो? अच्छा हाँ चलो बेटा घर चल के बताता हूँ। हाँ चलो फिर घर चल कर बताओ, पर बताना जरूर। चलो आओ। हाँ अब बताओ वो बात। हाँ वो मैं पार्क में जॉगिंग कर रहा था ना, तो मेरा 10 रुपए का सिक्का गड्ढे में गिर गया, तो मैं उसे ही ढूंढ रहा था। ओ तो बस इतनी सी बात थी? लगता है मेरी PS4 आ गई, जल्दी जाके देखता। क्या हुआ बेटा, कौन था? कोई नहीं था पापा। ये डब्बा किस चीज का है? कुछ नहीं। पर ये डिब्बा तो अमेजोन से आया है और हम अमेजोन से कुछ मंगाते ही नहीं। अरे ये कुछ नहीं है पापा। देखो बेटा ऐसा है, सब सच बताओ वरना। ओहो लगता है सच बताना ही पड़ेगा। अरे पापा ये PS4 है। कितने की है? अरे यार पापा तो एकदम चैटी हो गए, लगता है बताना ही पड़ेगा। अरे पापा ये 40,000 आफ्टर डिस्काउंट की है। ओ इतने पैसे कहाँ से आए? उस दिन जब मैं नमन के साथ पार्क में कैच एंड कैच खेल रहा था तो मेरे को एक अजीब सा मैप मिला, उसके हिसाब से मैंने गड्ढा खोदा। गड्ढे में एक जीरो मार्क का टेस्ट पेपर और एक एक्सपेंसिव गोल्ड कॉइंस की कलेक्शन निकली है, और उस गोल्ड कॉइंस की कलेक्शन को बेचकर मेरे को 50,000 रुपीज मिले, जिससे मैंने PS4 ऑर्डर कर दी। ठीक है पागल के बच्चे। पागल वो कॉइन कलेक्शन मेरी थी भाई, वो कॉइन कलेक्शन आती थी। आपने तो मेरे को कभी अपनी कॉइन कलेक्शन के बारे में बताया नहीं क्या? या आपने मेरे को अभी कभी कॉइन कलेक्शन दिखाई नहीं? इसका राज क्या है बताओ मेरे को। आज की एंटीक पॉन शॉप पर मैंने एक हफ्ते पहले कॉइन कलेक्शन देखी थी, उसका खरीदने का मेरा बहुत मन किया और वो 50,000 की थी। इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। तो फिर आपके पास पैसे कहां से आते? ऐसे है कि मैंने तेरी स्टैम्प कलेक्शन के बदले कॉइंस कलेक्शन खरीद ली। वो स्टैम्प कलेक्शन तो मेरे PS4 से भी ज्यादा प्यारी थी, मैं पिछले 5 सालों से उसे कलेक्ट करता आ रहा था। मेरे को नहीं पता, अपनी स्टैम्प कलेक्शन वापस लाओ। अरे बेटा क्योंकि तूने बहुत दिनों से अपनी स्टैम्प कलेक्शन निकाली नहीं थी तो मेरे को लगा तेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं बेच दूं।
देखो पापा, इसमें सारी गलती आपकी है। एक तो आपने मेरे से बिना पूछे मेरी स्टैम्प कलेक्शन बेच दी, उसके बाद आपने कॉइन कलेक्शन वहाँ पर गाड़ दी पार्क में, कोई भी आपकी कॉइन कलेक्शन ले सकता था, वो तो अच्छा है मैंने ले ली। और अगर आप होते मेरी जगह तो आप भी उस कॉइन कलेक्शन निकाल कर बेच देते, क्योंकि मेरे को पता है कि आप भी ऐसे करके आप भी थोड़े लालची से हो। मेरे को पता है सारी गलती आपकी है, आप मेरी स्टैम्प कलेक्शन अभी वापस लाओ वरना मैं मम्मा को बोलूँगा। और मैंने आपकी जो कॉइन कलेक्शन 50,000 में बेची थी, 40,000 की मैंने पी एस को मंगाई, चाहे तो 10,000 रुपये वहाँ से ले लो, और पर मेरी स्टैम्प कलेक्शन वापस लाओ, मेरे को नहीं पता। अच्छा मेरी बाप, तूने 10,000 रुपये रखे ना, लेकर आ जाओ, 40,000 रुपये मैं खुद के लगा लूँगा। मैं थोड़ी देर बैठकर गेम खेल लेता हूँ जब तक। अरे बेटा, अरे लगता पापा आ गए। पापा आ गए, मिस स्टैम्प कलेक्शन लाए हो? हाँ ये ले, ये मेरी स्टैम्प कलेक्शन देख लो एक बार, एक एक स्टैम्प कंपनी है, अंदर जाके देखो। देख लो एक बार स्टैम्प कंपनी है। हाँ चलो सारी साइंस है, अब जल्दी से वीडियो बना के डालता हूँ। तो भाई अच्छी गेम चल रही है ये, क्या वीगो भी नहीं मैसेज भाड़ में जाए गेम, पहले वीगो वीडियो देखता हूँ। ओह यस, मेरी वीडियो को फर्स्ट पोजीशन मिली, फर्स्ट पोजीशन में 20,000 व्यूज ये, और मेरी वीडियो ने 5,000 व्यूज खुद के लिए कमाए। मेरे पास 1,05,000 फ्रेंड्स हो गए। हो तो खुशखबरी मिली है अब्बो, पापा को जाकर अपनी बात। यार पापा बड़े उदास लग रहे हैं, शायद इसलिए कि उनसे उनकी कॉइन कलेक्शन छिन गई। वो मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपने वीगो वीडियो के 1,05,000 रुपीज से पापा को एक कॉइन कलेक्शन गिफ्ट कर देता हूँ, ये सही रहेगा, पापा खुश हो जाएंगे। पापा मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। ठीक है पापा, ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया। ओ ये तेरे पास कहाँ से आई? अरे पापा वो मैंने अभी स्टैम्प कलेक्शन की वीडियो डाली है ना वीगो वीडियो पर, तो उससे मेरे को 20,000 रुपीज मिले एज अ फर्स्ट प्राइज, और 20,000 फ्रेम्स और 5,000 फ्रेम्स खुद के मिले, यानी 5,000 रुपीज अलग से, तो मेरे पास टोटल 1,05,000 फ्रेम्स हो गए थे। तो मैंने सोचा मेरे पास इतने सारे पैसे हैं तो आपको एक छोटा सा गिफ्ट दे दूं, ये लो पापा। ओ थैंक यू बेटा, थैंक यू, वेलकम पापा। पर पापा आप जब ये कॉइन्स खरीद कर लाए थे तो आपने ये कॉइन्स पार्क में क्यों छुपाए? पार्क तो बच्चों की जगह है। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं स्टैम्प कलेक्शन घर में छुपाता तो तेरी मम्मा ढूंढ लेती, और बैंक में छुपाता तो तेरी मम्मा और मेरा तो बैंक में ज्वाइंट अकाउंट है, तब भी मम्मा को पता चल जाता, मेरे को मम्मा से छुपानी थी। ओ अच्छा पापा, इसलिए आपने मेरे को उस दिन थप्पड़ मारा था जब मैं वो स्टैम्प कलेक्शन ढूंढने जा रहा था अपने कबर्ड में, कि कहीं मेरे को आपकी कॉइन कलेक्शन के बारे में पता ना चल जाए। अच्छा तब इसलिए मारा था, चल उस बात के लिए सॉरी। ठीक है चलो बेटा, पार्क वार्क बैंक वैंक पुरानी बातें छोड़ दो, तेरी नई PS4 आई है ना, चल चलकर गेम खेलते हैं। ठीक है ये चलो आओ फिर। चल बेटा मैं तेरी फिर PS4 जाके सेटअप कर लेता हूँ। ठीक है मैं सेटअप करना स्टार्ट करता हूँ।